प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान की मुहिम का जादू गिरिडीह में भी सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि एक तरफ गिरिडीह डाक विभाग दावा कर रहा है कि डाक विभाग अब तक 42,000 राष्ट्रीय ध्वज का वितरण कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ बुधवार को हर घर तिरंगा अभियान के मौके पर गिरिडीह भाजपा का 7 किलोमीटर दूरी का निकला तिरंगा यात्रा शहर के लोगों में देशभक्ति की भावना जगा रहा है। गिरिडीह भाजपा के इस तिरंगा यात्रा में करीब 3,000 से अधिक युवा बाइक रैली में शामिल हुए, जबकि तिरंगा यात्रा में 500 से अधिक बाइक भी दिखी, जिसमें समर्थकों की भीड़ हाथों में तिरंगा थामे देशभक्ति का नारा लगाती नजर आई। इधर समर्थकों का जुनून देख दिग्गज नेताओं का उत्साह बढ़ना भी शुरू हो गया, लिहाजा समर्थकों का जुनून और बढ़ाने के लिए भाजपा की तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व सीएम और धनबाद के विधायक बाबूलाल मरांडी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व सदर विधायक निर्भय शाहबादी, भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू और अन्य लोग भी शामिल हुए। इस बीच न्यूज विंग से बात करती हुई केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान का असर है कि एक एक देशवासी अपने घर पर राष्ट्रीय झंडा लगाने को आतुर है। वहीं समर्थकों द्वारा तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की गई। तिरंगा यात्रा जब टावर चौक पहुंची तो यहां भी पुष्प वर्षा की गई, जबकि कालीबाड़ी चौक में ही हिंदू संगठन के रितेश पांडे और कुंदन केसरी समेत कई कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प वर्षा की गई थी। वहीं बड़ा चौक में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से पेयजल की व्यवस्था भी की गई थी। समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आज के इस तिरंगा अभियान को लेकर क्या खास रहेगा। देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष और सरकार ने लिखी थी पूरे वर्ष तक कार्यक्रम और प्रगति ने भी लिया है। जन जागरण में पूरे देश में इसी प्रकार की तिरंगा यात्रा या जनता भी निकाल रही है। मैं कहीं बच्चों का प्रभाव देख जाए, कहीं कुछ है, मैंने पूरे समाज इसको कहने लगे हुए और इस बार जो 15 अगस्त को होगी तो हमें लगता है कि दुनिया में एक अद्भुत रहेगा। इतनी झंडा लोगों के घरों में लगेगी, शायद आजाद भारत के ऐसा कभी लोगों के घरों पर या जिलों तक का तिरंगा नहीं लगा। जन जागरण अभियान है, उसी के लिए हम सब लोग किया पार्टी के सब लीडर्स हैं, सारे देख रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा जी कैसा तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर घर तिरंगा लगाकर लोग देशभक्त के देश में घुमाया जा रहा है। काफी उत्साह के साथ, काफी उल्लास के साथ हर कोई इस अभियान में शामिल है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक लोग तिरंगा यात्रा में शामिल होकर आजादी के 75 साल का वर्षगांठ भी मना रहे हैं, खुशियां भी मना रहे हैं। निश्चित रूप से हर किसी को आचरण देश को आजाद के 75 वर्ष आगे के लिए भी लोगों के मन में जो एक इच्छा है, युवाओं के मन में जो एक इस तिरंगा के माध्यम से लोगों ने जो एक आने वाले समय में हमें और इस तरह से देश के लिए जो हमें काम करना है, लोगों के मन में लोगों ने संकल्प ये डाला है, इस तिरंगा के माध्यम से लेने के लिए
शामिल होकर देख रहे हैं कि एक तरफ विपक्ष जहां इस तिरंगे यात्रा पर लगातार हमला कर रहा है, लगातार भाजपा पर अलग अलग तरह से सवाल उठा रहा है, वही दूसरी तरफ गिरिडीह के इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से गिरिडीह कई भाजपा के बड़े दिग्गज नेता लगातार उस विपक्ष पर हमले भी कर रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज मिल के लिए मैं मनोज कुमार।